न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS News नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी को मंच पर जगह न मिलने से खपा शिंदे गुट के नेता ने छोड़ा पद। 400 से ज्यादा सीटें मिली तो POK को भारत में मिला लेंगे। POK भारत का हिस्सा, इसे लेकर ही रहेंगे शाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के मंच पर जगह न मिलने से खफा शिंदे गुट के नेता ने छोड़ा पद। कल्याणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मंच पर जगह न देने से नाराज शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी ने पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। थाने जिले के कल्याण मुरबाड़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी इकाई के प्रभारी अरविंद मोरे ने बुधवार को बताया कि उन्होंने मंच पर जगह न मिलने के विरोध में अपना पद छोड़ दिया है। मोदी ने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से शिवसेना के मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे के समर्थन में रैली को संबोधित किया। एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में मोरे ने कहा कि उन्होंने दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिखे के समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी और प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री की जनसभा के दौरान दूसरों के साथ मंच पर मौजूद रहने का अवसर मिलना चाहिए था। चूंकि उनका नाम सूची में नहीं था, इसलिए वह पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। 400 से ज्यादा सीटें मिली तो POK को भारत में मिला लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को दावा किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में यदि भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लिया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने की जरूरत है। यदि 400 से ज्यादा सीटें मिली तो POK को भारत में मिला लिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ज्ञानवापी मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। भाजपा ने 2019 में 300 से अधिक सीटें जीतकर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। POK भारत का हिस्सा, इसे लेकर ही रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि POK भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 की निरस्त होने के बाद एक समय अशांत रहे। कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब विरोध प्रदर्शनों और आजादी के नारों से गूंज रहा है। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।